इंटरोगेटिव सेंटेंस है पास्ट टेंस है क्योंकि देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई हुई है ब्रोक कि हु ब्रोक द प्लेट किसने ये प्लेट तोड़ी ठीक है अब हम बेस फॉर्म लिखेंगे दोनों में एक्टिव में भी और पैसिव में और बेस फॉर्म के अकॉर्डिंग ही फिर हम चेंजेस करेंगे राइट right. अभी देखो यहाँ पे इंटरोगेटिव uh, है तो क्वेश्चन वर्ड है हु तो हु को हम एज इट इज देखेंगे जब भी हु एज अ सब्जेक्ट होता है ना तो पैसिव में उसका जो ऑब्जेक्टिव केस बनता है वो बाय हुम हो जाता है मतलब आप जब पैसिव में लिखते हैं तो आप बाय लिख देते हैं रामायण लिखी तो रामायण ऐसे आ जाता है ठीक है तो अभी यहाँ पे हु है उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म है राइट right, उसके बाद क्या है उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है फाइन तो पासिव में क्या कन्वर्ट हो जाएगा बाय हुम उसके बाद वॉज या वर कुछ भी एक ठीक है वॉज या वर्ग के बाद क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट और उसके बाद आएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक है तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा सेंटेंस बन जाएगा बाय होम देखो बाय होम एज इट इज आ जाएगा अब क्या है दिस प्लेट है तो दिस प्लेट के लिए वॉज ही आएगा क्योंकि दिस प्लेट इज सिंगर राइट बाय होम वॉज अब ऑब्जेक्ट है तो दट इज दिस प्लेट ठीक है वो एज इट इज आ जाएगा अब देखो ब्रोक है ब्रेक है फर्स्ट ब्रोक है सेकेंड एंड ब्रोकन है थर्ड फॉर्म ठीक है ब्रेक ब्रोक ब्रोकन तो ब्रोकन होती है हमारी थर्ड फॉर्म दैट इज बी आर ओ के ई एन ब्रोकन एंड देन वी शुड हैव अ क्वेश्चन मार्क क्योंकि सेंटेंस ही रहेगा चाहे वो एक्टिव में रहे या पैसिव में कन्वर्जन के टाइम पे हम सेंटेंस uh, अगर इंटारोगेटिव में तो इंटरोगेटिव में ही रहता है ठीक है तो क्या आंसर हो जाएगा बाय हुम वॉज दिस प्लेट ब्रोकन सो दिस इज द करेक्ट आंसर थैंक यू टेल्थ से लेकर नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही आज डाउनलोड करें डाउट ने या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर